19 मई को सातवें और अंतिम चरण में होने वाले चुनाव के लिए शासन प्रशासन पूरी तरह से तैयारी में जुट गए हैं। एक भी मतदाता न छूटे उसके लिए लगातार आला अधिकारी समीक्षा बैठक कर संबंधित अधिकारियों को शत प्रतिशत मतदान के लिए दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी सिलसिले में शनिवार को तहसील परिसर सभागार में 322 शहर के 463 बूथों के बूथ लेवल ऑफिसरों की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर प्रथमेश कुमार ने मतदाता पर्ची वितरण की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में पहुंचे बूथ लेवल अधिकारियों ने अपने अपने बूथों पर बटे पर्चियों और छूटे पर्चियों की सूची ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर प्रथमेश कुमार को सौंपी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर प्रथमेश कुमार ने बीएलओ अधिकारियों से कहा कि जल्द से जल्द डोर टू डोर जाकर मतदाता पर्ची वितरण करने के लिए सख्त हिदायत देने के साथ मतदाता पर्ची वितरण में शिथिलता व किसी प्रकार की लापरवाही करने वाले बीएलओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित, नगर कानूनगो प्रथमन सिंह सहित अन्य कानूनगो व लेखपाल और बीएलओ मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदरवास ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रथमेश कुमार ने कहा, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में हम लोग ये टारगेट कर रहे हैं कि मतदाता पर्ची का शत प्रतिशत वितरण किया जाए। जो वोटिंग टर्नआउट होता है वो बिल्कुल मतदाता पर्ची के वितरण पर निर्भर किया जाता करता है। इस बार हमने बीएलओ पे कड़ाई करी है, जो बीएलओ मतदाता पर्ची का वितरण ढंग से करेगी नहीं उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी एवं एफआईआर भी दर्ज किया जाएगा।